उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं 72 घंटे की इस हड़ताल से आम जनता के जीवन पर भारी असर पड़ता नजर आ रहा है। बीते दिनों बिजली कर्मियों की हड़ताल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया था। वहीं आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हड़ताल को लेकर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बैठक की, जिसके बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े हुए 22 बिजली कर्मियों के खिलाफ ESMA यानी आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही FIR दर्ज कर गिरफ्तारी के भी आदेश दे दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 22 बिजली कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ ही गिरफ्तार किया जाएगा और 1 साल तक जेल में रखा जाएगा। इसके अलावा आउटसोर्सिंग पर तैनात 1332 बिजली कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है और 1000 लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है। ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि शाम 6 बजे तक आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मियों को काम पर लौटने के लिए कहा गया है। मंत्री AK शर्मा ने सख्त तेवर में कहा कि अगर कर्मचारी शाम 6 बजे तक काम पर नहीं लौटे तो उन्हें भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ ही हटाए गए कर्मचारियों की जगह पर ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को नौकरी पर रखा जाएगा। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि यह हड़ताल असफल रही है। परिस्थिति में जब इन नेताओं को किसी भी देश की किसी भी व्यवस्था में विश्वास नहीं दिखवाया है, ऐसी स्थिति में हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि ये हड़ताल जनहित के और राष्ट्रहित के विरुद्ध है और इसलिए हम लोगों ने आज कुछ और भी, सुबह हमने इन सारी परिस्थितियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, उनका भी मार्गदर्शन लिया, उनके भी निर्देश हमको मिले और इस सब पूर्व में किए गए सारे कार्य, विशेष रूप से हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना और हाई कोर्ट ने हम लोगों को भी कुछ आदेशित किया है कि सरकार को इसमें एक्शन लेना आवश्यक है, इसके दृष्टिगत हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि 22 व्यक्तियों के ऊपर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत FIR होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट में FIR के बाद अरेस्ट करने का और 1 साल तक इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में रखने का भी प्रावधान है। साथ ही अन्य लोग जो काम को सरकार के परिसंपत्ति को नुकसान कर रहे हैं या सब जनता की सेवा में करने में बाधा डाल रहे हैं, अन्य कर्मचारियों को रोक रहे हैं या हमारी ऐसी किसी व्यवस्था को विक्षेपित कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ FIR करने का हमने निर्णय लिया है और सबको सूचनाएं दी जा चुकी हैं। कुछ लोगों के खिलाफ FIR हो भी चुके हैं, अभी का जो फिगर है हमारे पास उसमें 29 व्यक्तियों के खिलाफ फील्ड में नीचे की स्तर पे FIR किए गए हैं। साथ ही जिन नेताओं ने, हमने जैसा बताया पीछे के जो सारे बातें जिनकी जिम्मेदारी है, ऐसे नेताओं को चिन्हित करके 22 के खिलाफ जो ESMA लगाया गया है उनमें से कुछ के खिलाफ हमने सस्पेंशन की भी कार्रवाई की है। बाकी डिटेल आपको थोड़ी देर में अभी मिल जाएंगे कौन कौन लोग हैं। उसी प्रकार से आउटसोर्स 6 लोगों को हमने सस्पेंड किया है और उन्हें लखनऊ से बाहर रखने का भी हमने निर्देश दिया है, उनको अटैच करने का, उसकी कार्रवाई UPPCL कर रहा है। साथ ही मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि जो संविदा कर्मी हैं, जो आउटसोर्सिंग से हमारे विद्युत विभाग में काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी परमानेंट नहीं मानी जाती है। आज मैं फिर कह रहा हूं और मैं ये बात 3 दिन पहले उनको वार्निंग दे चुका था, उसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। मैं उन सब से निवेदन करता हूं, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूं कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में
मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूं उन सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। कोई भी संविदा कर्मचारी ऐसा नहीं होगा कि जो कर्मचारी के रूप में चालू भी रहे और अपने कार्य पे उपस्थित न हो। तो इसलिए मैं उनके भविष्य के हित में और उनके परिवारों के कल्याण की दृष्टि से मैं उनको पूर्व अवगत करा रहा हूँ। पहले से मैं उनको 4 घंटा पहले, मैं कई दिन से ये बात कह रहा हूँ लेकिन अभी भी अगर न समझे हो तो 1332 को बर्खास्त किया जा चुका है। इनका भी नंबर, किसी का भी नंबर अगला हो सकता है। इसलिए मेहरबानी करके आप अपने कर्तव्य पे वापस आ जाए अपने परिवार के हित में। उन जगहों को जहां हम बर्खास्त कर रहे हैं, उन लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि देश में बहुत बेरोजगारी है, ऐसी जगहों को भरने के लिए कल से ही इन सारी एजेंसियों को, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं, हम कहेंगे कि हमारे जो आईटीआई की संस्थाएं हैं, पॉलिटेक्निक की जो संस्थाएं हैं और इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस हैं, उन सब में से आईटीआई पास, पॉलिटेक्निक पास, इंजीनियरिंग पास बच्चों की लिस्ट लेकर के और उनको पहले अप्रेंटिस में रखें और फिर जैसा उनका काम होगा उस हिसाब से आगे उनको आगे बढ़ाने का की बात सोची जाएगी। इसलिए इस प्रकार जो व्यक्ति आज शाम तक काम पे नहीं आएगा 6 बजे तक, संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मचारी, उसे निकालते हुए हम नए लोगों की भर्ती करने की हमने पूरी तैयारी कर ली है।